नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमित कांसल, इग्नो अध्ययन केंद्र 2281 निर्माण कैंपस सुनाम के यूट्यूब चैनल निर्माण कैंपस पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक शुभेच्छा रखता हूँ कि आप सब लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में रत होंगे। दोस्तों, यह संकट का जो समय अभी हमारे पर चल रहा है, पूरी मानवता पर चल रहा है, जो कोरोना काल है, तो यह भी बीत जाएगा। तो हम लोग आज से जो EPS 9 है उसके काउंसलिंग सेशन शुरू कर रहे हैं। आज से ही जो हमारे BA फाइनल के विद्यार्थी हैं उनका पहले ANC 1 के जो है काउंसलिंग सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, EHI 4 के हो चुके हैं और EPS 3 जो BA सेकंड के विद्यार्थी हैं उनके लिए था और कुछ ने BA फाइनल में भी उसे ऑप्ट किया हुआ था। तो आज से हम BA ANS 184 और ACC 1, साथ में जो हमारे BAEG के विद्यार्थी हैं उनके लिए BHIC 133 और BPSC 134 और मैं खुद EPS 9 को आरंभ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो EPS 9 के विद्यार्थी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमने जो पिछले 10 दिनों में माफ़ी चाहूँगा जो पिछले 10 दिनों में प्रोफेसर हर्ष ने BPSC 133 कोर्स कोड के अधीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के विषय के जो विभिन्न काउंसलिंग सेशन दिए, उन्होंने काफ़ी यूनिट्स कराई हैं। तो जो EPS 9 है, जो BA 3 के विद्यार्थी हैं उनका यह विषय है, उसका टाइटल भी, जो कोर्स कोड टाइटल है वह है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो BPSC 133 है वो VAG का कोर्स कोड है और उसका जो कोर्स टाइटल है वह भी लगभग ऐसा ही है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का तुलनात्मक सरकार और राजनीति। तो दोनों का कोर्स टाइटल सेम है, तो उसके कुछ कंटेंट सेम हैं। तो हमने उन अपने सोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए कि उनका द्वारों से आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग सेशन मिल सके विभिन्न विषयों का, तो मेरा आपसे निवेदन है जो BA फाइनल के विद्यार्थी हैं, जो EPS 9 जिन्होंने कोर्स को अडॉप्ट किया हुआ है, तो कृपया आप BPSC 133 कोर्स कोड के जो काउंसलिंग सेशन है, 10 काउंसलिंग सेशन जो प्रोफेसर हर्ष द्वारा लिए गए हैं, जो पिछले 10 दिनों में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रीमियर किए हैं, आपको ब्रॉडकास्ट किए हैं, तो कृपया आप उन्हें भी सुन लीजिएगा। जो BS 9 में मैं उन टॉपिक्स को कवर करूंगा जो हमारे BPS 133 में कवर नहीं हुए, ताकि आपका मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो जाए, आपको मार्गदर्शन मिल सके। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वह टॉपिक है यूनिट 20 का EPS 9 का, जिसका टाइटल है राजनीतिक दलीय व्यवस्था, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो दोस्तों, हम इसका अध्ययन करेंगे कि दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों हुई, इसका अर्थ और प्रकृति क्या है, राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं, दलीय व्यवस्था के प्रमुख प्रकार क्या हैं, इन सब के बारे में हम आज अपने इस काउंसलिंग सेशन में चर्चा करेंगे आपके साथ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब हम ये काउंसलिंग सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट वाली यूनिट होगी मैं उसका नाम आपको बता दिया करूँगा, ताकि आप उसे पढ़ लें और जो आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं, अगर हैं, हम कोशिश करें कि उन डाउट्स को जो एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से हो सकते हैं, उनको हम अपने काउंसलिंग सेशन में जो हमारी टीम है वो पूरा कर दे। लेकिन फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट किसी हिचकिचाहट के लेट अस नो, हमें बताइए। आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ जो निर्माण कैंपस की मेल है nirmankampus.sunam@gmail.com, ये एक सिंपल सी मेल है nirmankampus.sunam@gmail.com पर, वहाँ आप
हमें अपने कमेंट्स लिखकर भेज भी सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यहाँ डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उसका एक अगर हम संक्षेप में एक पंक्ति में उसकी परिभाषा करें तो हम राजनीतिक दल को एक ऐसा समूह बोल सकते हैं जो सरकार पर नियंत्रण कर सत्ता में आने के लिए कार्यशील होता है, जिसका लक्ष्य क्या होता है, सरकार पर नियंत्रण करना, सत्ता पर नियंत्रण करना, सत्ता प्राप्त करना और उसके लिए अपनी जो है अपने को कार्यशील रखना, लगे रहना। देखो जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें सत्ता के लिए खुला मुकाबला होता है, तो चाहे सरकार का कोई भी रूप हो, जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली जो आज का युग है, लोकतंत्रीय युग जिसमें हम एक साधारण सी परिभाषा करते हैं अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा सरकार होती है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, भाव यह जो सरकार होती है लोकतंत्र की सरकार वह लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए काम करती है और लोग ही उस सरकार का संचालन करते हैं। तो उसमें जो सरकार का संचालन करते हैं, लोकतंत्र का संचालन करते हैं, वो कौन होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, जो लोगों का समूह होते हैं। और उसका राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है, सत्ता पर कब्जा करना, सत्ता पर नियंत्रण करना, सरकार पर नियंत्रण करना। तो ये एक समूह होता है, जबकि जो दलीय व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टीज होती हैं, विभिन्न दल होते हैं, जो विभिन्न दलों की ऐसी व्यवस्था है जो देश के कानून के अनुसार लागू रहती है। देखिए अपने देश में क्या है, अगर हम बात करें तो संविधान के अनुसार, संविधान का जो आर्टिकल 19 है, मौलिक अधिकारों का भाग 3 के अधीन जो स्वतंत्रता दी गई, उसमें लिखा गया है कि भारत के जो लोग हैं वो जो समूह हैं वो गठन कर सकते हैं, विभिन्न समूहों का गठन कर सकते हैं। तो उसी स्वतंत्रता के अधीन कानून अनुसार जो हमारे देश में है राजनीतिक दल बनते हैं और ये राजनीतिक दल जो है चुनाव कमीशन के पास पंजीकृत होने चाहिए और इसके द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो चुनाव कमीशन भी क्या है, अगर हम बात करें तो वो है एक संवैधानिक संस्था जो आर्टिकल 324 में जिसकी व्यवस्था है। तो चुनाव कमीशन किन दलों को मान्यता देता है, वो मान्यता देता है जो दल भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, उन दलों को चुनाव कमीशन क्या देता है, मान्यता देता है, उन्हें पंजीकृत करता है। तो देश के कानून के अनुसार जो विभिन्न दल हैं उन दलों की व्यवस्था को, उन दलों की प्रणाली को, समूह दलों को क्या बोलते हैं, हम दलीय व्यवस्था बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो राजनीति शास्त्र में जो लोकतंत्री राज्य व्यवस्था है उसमें जो राजनीतिक दल हैं उनके बिना उसका जो आधुनिक लोकतंत्र है उसका संचालन संभव नहीं है। फाइनर एक प्रसिद्ध विद्वान है राजनीति के, उन्होंने क्या कहा है कि लोकतंत्र की आशाएं तथा शंकाएं दलीय प्रणाली पर ही आधारित हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस चीज का बात की, लोकतंत्र विभिन्न परस्पर विरोधी विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का पूरा अवसर प्रदान करता है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों जो जो राजनीतिक दल हैं जिसमें लोकतंत्र की बात की गई कि यहाँ पर जो आशाएं और शंकाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, वो राजनीतिक दलों के माध्यम से होती है। तो हम जो दल व्यवस्था है वह आवश्यक है जनमत को स्पष्ट करने के लिए। देखो जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, वे साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग करते हैं। और जनमत का स्पष्टीकरण किसके माध्यम से होता है, राजनीतिक दलों के माध्यम से। जनमत किसके पक्ष में है वो कैसे पता लगता है, जब चुनाव होते हैं चुनावों में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल की सरकार बनती है, चाहे वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, चाहे वो संसदीय शासन प्रणाली है, सरकार का रूप चाहे कोई भी हो लोकतंत्र सरकार का, तो जनमत राजनीतिक दलों के माध्यम से स्पष्ट होता है। तो आज हम
जो बात करेंगे, सर्वप्रथम बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसके लिए विभिन्न सिद्धांत हैं जिनकी हम यहाँ व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम सिद्धांत है मानव प्रकृति का सिद्धांत, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर है वो सर हेनरी मैन द्वारा जो राजनीतिक दलों के संबंध में है वो दी गई। उनका मानना है कि जो दलीय व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति का जो सर्वप्रथम कारण, जो मूल कारण है, वह मानव का संघर्षशील झगड़ालू स्वभाव है। जो मानव का स्वभाव है वह शुरू से संघर्षशील है, वह झगड़ालू है, जिसके कारण जो विभिन्न मनुष्य हैं उनके जो विचार हैं वो अलग अलग विचार होते हैं और इन विचारों का टकराव होता है और इन विचारों के टकराव के जो है कारण ही जो दलीय व्यवस्था है वो पैदा हुई है, वो दल व्यवस्था पैदा हुई है, ऐसा उनका मानना है। परस्पर विरोधी विचारों को संगठित रूप से अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए दलीय व्यवस्था का ओरिजिन हुआ। मनुष्य दलीय जो है, मनुष्य दल बनाता है संगठित रूप से। जैसे हम बात करें कि जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग हैं, ठीक है, उन्होंने संगठित रूप से कम्युनिस्ट पार्टीज बनाई हुई है ना, तो उसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि जो पार्टीज हैं दक्षिणपंथी हैं, ठीक है, वो भी पार्टीज बनाते हैं अपना अलग तरह का। उसी प्रकार से जो लिबरल हैं उन्होंने अलग से पार्टी बनाई हुई है। तो विचार जो हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए संगठित दलों का निर्माण मनुष्य करता है उसके संघर्षशील और झगड़ालू स्वभाव के कारण। दूसरी बात करते हैं इसी सिद्धांत के अंतर्गत, दूसरी बात जो तथ्य है जो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के लिए, वह है मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य का टेम्परामेंट। देखो जो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, इसमें हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो हैं, जो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसे बनाए रखने के पक्ष में रहते हैं। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य का जो टेम्परामेंट है, या तो वो बदलाव चाहता है या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसे बनाए रखना चाहता है। दो तरह का टेम्परामेंट हो सकता है ना, तो जो लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक ताना बाना है उसे बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों को हम दक्षिणपंथी बोलते हैं, राइटिस्ट बोलते हैं। लेकिन जो मूल जो वर्तमान व्यवस्था है, चाहे वह सामाजिक आर्थिक ढांचा है, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, हम उन्हें रेडिकल या क्रांतिकारी या फिर हमें लेफ्टिस्ट बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं। तो देखो मनुष्य की इस प्रवृत्ति ने क्या जन्म दिया, दलों को जन्म दिया, ठीक है। तो एक दक्षिणपंथी दल होते हैं या फिर क्या होते हैं, वामपंथी दल होते हैं। तीसरा है मनुष्य की चमत्कारी व्यक्तित्व, क्रिस्मेटिक जो पर्सनैलिटीज होती हैं वे भी राजनीतिक दलों को जन्म देती हैं। तो जैसे हम बात करें जो भारत में कांग्रेस पार्टी है उसमें कोई ना कोई क्रिस्मेटिक लीडर रहा, ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करें हम, उसके बाद जो उनके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की बात करें, इन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाया। तो उसी प्रकार से भाजपा में भी क्रिस्मेटिक लीडर हैं, है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो क्रिस्मेटिक शख्सियत थी उसके कारण जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में। फिर 1980s में जो है बीजेपी का जन्म हुआ, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी का योगदान रहा। और आज वर्तमान में जो भाजपा का क्रिस्मेटिक लीडरशिप है कम्प्लीटली किसके इर्द गिर्द घूम रहे, नरेंद्र भाई मोदी के। तो अब उसी प्रकार से मतलब जो क्रिस्मेटिक लीडरशिप है, चमत्कारी व्यक्तित्व वाले लोग लोगों को दल के रूप में संगठित कर लेते, एक समूह के रूप में संगठित करने में कामयाब होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड सिद्धांत की, तो वह है परिवेश संबंधी स्पष्टीकरण, वातावरण संबंधी स्पष्टीकरण। देखो जो पार्टी व्यवस्था है उसके विकास के लिए जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है, जो वातावरण है, वह भी महत्वपूर्ण रहता है। उदाहरण के लिए आधुनिक लोकतंत्री व्यवस्था कम से कम दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का परिणाम है, जैसे कि है ना, निरंकुश राजतंत्र में राजाओं की शक्ति को सीमित किया जाना तथा मतदान के अधिकार को व्यस्क
मताधिकार के रूप में जनता को प्रदान करना। ये दो घटनाएं हैं अगर हम इनकी बात करें। देखो जैसे कि आप सबको पता है कि इंग्लैंड में 1688 में ब्लडलेस ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, है ना, रक्त रहित जो है शानदार क्रांति जिसे बोलते हैं 1688 में हुई थी। लेकिन उससे पहले क्या था कि 1680 के लगभग दो तरह की जो है घटनाएं घटी वहां पर। राजतंत्र से संबंधित हम बात करें, कुछ लोग ऐसे थे जो राजतंत्र के अधीन राजे को जो है असीमित शक्तियां देने के समर्थक थे, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे थे जो उन असीमित शक्तियों को सीमित करना चाहते थे, ठीक है। इंग्लैंड की मैं बात करूं तो जो असीमित शक्तियों का विरोध करने वाले लोग थे उन्हें विग कहा जाता था इंग्लैंड में, और जो समर्थन करते थे असीमित शक्तियां प्रदान करने की तो उन्हें कहा जाता था टोरी। तो ये दोनों तरह के जो लोग थे वो दलों के रूप में संगठित हुए कालांतर के अनुसार। कालांतर में तो जो विग्स थे उन्होंने लिबरल पार्टी बनाई, वो लिबरल विचारों के थे कि हाँ राजा की शक्तियों को सीमित नहीं दिया जाना चाहिए, इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, लिबरल बन गए वो। और जो बात कर रहे थे कि राजतंत्र के पास सीमित शक्तियां होनी चाहिए, वे लोग जिन्हें टोरी कहा जाता था वो एक कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में, रूढ़िवादी पार्टी के रूप में संगठित हो गए। तो समाज में, सामाजिक परिवेश में जो कुछ घटनाएं घटती हैं वे भी राजनीतिक दलों को जन्म देने में सहायक रहती हैं। ऐसी घटनाएं ये ऐसे कि मैंने इंग्लैंड की आपको उदाहरण दी 1680 की, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे हित सिद्धांत की, इंटरेस्ट थ्योरी की। तो इसमें क्या माना जाता है कि यह सिद्धांत इस मान्यता जो यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जो राजनीतिक दल हैं वह व्यक्तियों तथा समूहों के हितों की अभिव्यक्ति की सशक्त एजेंसियां हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो हितों के आधार पर संगठित होते हैं, स्थापित होते हैं। अपने जो जब व्यक्ति या कोई समूह अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य अपने हितों को पूरा करना हो, तो वो किसी दल के रूप में संगठित हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि एक व्यक्ति या जो मतदाता हैं वो किसी पर्टिकुलर दल को वोटिंग क्यों देते हैं। उनको लगता है कि जो दल हमारे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक हितों की संरक्षण कर सकता है, पूर्ति कर सकता है, वे उसी को वोट देते हैं। उसी प्रकार वो क्यों देते हैं, क्योंकि उनका हित उसमें जुड़ा होता है। और उसी हित को, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई, वो किस लिए हुई, मुस्लिम जो समाज था, मुस्लिम लोग थे, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, है ना। तो जब मुस्लिम लोगों को लगने लगा कि जो है 1906 में मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई कि हमारे हितों की रक्षा ये करेगी, तो लोग मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए। तो कहने का अर्थ है कि दल जो हैं व्यक्ति के हित की पूर्ति के उद्देश्य से बनते हैं, ऐसा माना जाता है। और यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा ज़्यादा मान्यता रखता है। तो मानव उस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं जिससे उन्हें अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की आशा होती है। ये तीन सिद्धांत आज हमने किए जो दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला मानव प्रकृति का सिद्धांत, जिसमें मानव प्रकृति, फिर मानव प्रवृत्ति की बात की, फिर मानव के चमत्कारी शख्सियत की जो दलों को संगठित स्थापित करने में सहायक है। फिर हमने बात की परिवेश की कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारा सामाजिक आर्थिक प्रवेश है उसकी भूमिका रहती है, कि जैसे कि इंग्लैंड की उदाहरण दी हमने वहां पर कि एक राजतंत्र को असीमित शक्तियां देने के समर्थक थे, एक विरोधी थे जिन्हें विक्स बोला जाता था, टोरी बोला जाता था, और उनके आधार पर बाद में कालांतर में वो पार्टियों के रूप में संगठित थे। फिर हमने हितों की बात की कि जो राजनीतिक दल हैं वह व्यक्ति तथा समूहों के हितों की अभिव्यक्ति की सशक्त जो है एजेंसियां हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो व्यक्ति या समूहों के हितों की ये जो है अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे पंजाब में हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें, वो सिख पंथ की बात करती है कि हम उसके हितों की अभिव्यक्ति करते हैं, और बहुत सारे जो पंथक, इसे पंथक पार्टी बोला जाता है, और बहुत सारे जो सिख्स हैं पंजाब में वो श्रोमणी अकाली दल को वोट देते हैं। उसी प्रकार के अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो गैर ब्राह्मण पार्टियाँ हैं, जे
AIDMK और DMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कजगम और द्रविड़ मुनेत्र कजगम कजगम जो दोनों पार्टियां तमिलनाडु में अपना धार रखते हैं, वो किसके हितों की बात करती हैं? बहुजन समाज पार्टी की भारत में बात करें तो वो बहुजन समाज के हितों की बात करती है, जो दलित लोग हैं उनके हितों की बात करती है। तो उसी आधारों पर ये पार्टियों का गठन होता है। और फिर हम बात करते हैं कि दलों का अर्थ और प्रकृति क्या है। देखो, पहली बात हम समझ लें, जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों का समूह होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो दलों की अर्थ समझने के लिए, प्रकृति समझने के लिए जरूरी है। दूसरी बात है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने सदस्यों को सार्वजनिक पब्लिक जो पोस्ट हैं, जब विधायिका विधानमंडल में जो हैं उसमें निर्वाचित करवाने का प्रयास करते हैं अपने सदस्यों को। देखो, चाहे कोई भी पार्टी, आज भारत में हम एग्जाम्पल दें आम आदमी पार्टी है, तो वो अपने सदस्यों को जो विभिन्न पदवियां हैं, सार्वजनिक पद है, वहाँ पर विराजमान करना चाहती है। और उसका दिल्ली में बहुमत है तो माननीय अरविंद केजरीवाल उसके जो हैं मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से प्रत्येक पार्टी अपने जो सदस्य हैं उनको विधायिका में निर्वाचित कराने का प्रयास करती है, और निर्वाचन के पश्चात जो सार्वजनिक पद हैं, चाहे वो किसी कमीशन का चेयरमैन है या मंत्री पद है, वहाँ उसको पहुंचाना चाहती है। फिर हम बात करते हैं कि इनका एक औपचारिक संगठन होता है, इस समूह का औपचारिक संगठन होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। हम किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे भारत में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, जब हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टियों की, तो उनका एक अध्यक्ष होता है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में जो चीफ होता है उसे जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं। अध्यक्ष के नीचे उनके साथ एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे भाजपा में हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल की, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और कांग्रेस में हम बात करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। फिर उसके अधीन अन्य जो है निम्नतम संगठन होते हैं, राज्य स्तर का, फिर जिला स्तर का, फिर ब्लॉक स्तर का, मंडल स्तर का, ऐसे संगठन रहते हैं। और इनका ऊपर से लेकर नीचे तक एक संगठन होता है जिसके माध्यम से ये जो है इसका नियंत्रण रहता है, अनुशासन रहता है ना। और प्रत्येक दल की अपने नाम से पहचान होती है, अपने नाम से पहचान होती है। चार बातें क्लियर होगी, लोगों का समूह होता है, निर्वाचन के माध्यम से अपने सदस्यों को सार्वजनिक और जो अपने विधायक विधान पालिका है वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास करते हैं। फिर इनका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होता है, जैसा मैंने उदाहरण दिया। फिर प्रत्येक दल की अपनी एक अपने नाम से पहचान होती है, ऐसा माना जाता है। तो यह परिभाषा पर्याप्त रूप से व्यापक है। अगर हम बात करें इसके आगे, तो इनका चुनाव लड़ना मकसद होता है, निर्वाचन में चुनाव लड़ना इनकी कर्म भूमि है। इलेक्शन लड़ते हैं, फाइट करते हैं, वहाँ उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं, और जिस दल को संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत मिलता है लोकसभा में या लोअर हाउस में, उस वो सरकार का निर्माण करते हैं। तो ये स्थायित्व इनमें रहता है। आप ये इस चीज़ को बात समझिए कि ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी प्रभावशीलता और कार्यशीलता प्रभावी मतलब वरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, उसमें वेरिएशन होती है। हम बात करें जैसे किसी समय भारत में कांग्रेस पार्टी को एक अम्ब्रेला पार्टी बोल पूरे भारत में वो शासन करती थी, लेकिन आज वो एक दो राज्यों तक सीमित हो गई है, उसका प्रभाव कम हुआ। तो भाजपा 2 सदस्यों से शुरू हुई थी 1984 में, और आज पूर्ण बहुमत वाली पार्टी बन गई और पूरे भारत में लगभग उसका शासन है, पूरा प्रभाव है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दल इलेक्शंस में हार जाता है, राजनीति में हार जाता है, वो खत्म हो जाता है। वो विरोधी दल की भूमिका निभाता है, वो उसका हमेशा स्थायित्व रहता है ना। तो पता नहीं कब से दल चल रहे हैं। अमेरिका की बात करें हम, वहाँ पर रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टियाँ कभी एक की सत्ता थी, कभी दूसरे। किसी प्रकार से हम बात करें जो इंग्लैंड की बात करें, वहाँ पर हम बात करते हैं जैसे वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, तो वो भी बहुत प्राचीन दल हैं। कभी किसी की सरकार होती है, कभी आना जाना बना रहता है, लेकिन ये दल जो हैं इनका जो प्रकृति है वो स्थायित्व परमानेंट नेचर के होते हैं। फिर इनका एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है ना, उद्देश्य जो है एक तो तत्कालिक लक्ष्य होता है, दूसरा अंतिम लक्ष्य होता है ना। तो प्रत्येक दल के कुछ कार्यक्रम और नीतियाँ होती हैं, ये भी उसकी एक विशेषता है।
और उन नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से वो जनमत को प्रभावित करना चाहते हैं और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। जिस दल को सत्ता नहीं मिलती वो विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। तो ये कुछ राजनीतिक दलों के मतलब लक्षण मैंने बताया कि ये स्थायी संगठन होते हैं, इनका उद्देश्य होता है, कुछ तत्कालीन उद्देश्य होते हैं, कुछ अंतिम लक्ष्य होते हैं, और दोनों में समन्वय ये स्थापित करते हैं, है ना। और सत्ता प्राप्त करने के लिए इनकी कुछ नीतियाँ कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, और जिनके माध्यम से वो सत्ता में आना चाहते हैं, सरकार पर नियंत्रण रखना चाहते हैं और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्य कौन कौन से हैं, है ना। तो जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे दल होते हैं, तो लोकतंत्र सरकार में वो अपना योगदान देते हैं। तो हम बात करते हैं कि सबसे प्रथम जो कार्य है राजनीतिक दलों का वह है उम्मीदवारों का नामांकन करना, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देखो प्रत्येक राजनीतिक दल का कार्य क्या है, सरकार पर नियंत्रण करना, सत्ता रूढ़ होना, इसके लिए वो प्रयास करता है। तो इसके लिए वे क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स का नामांकन करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, जो विनिंग कैपेसिटी रखते हैं प्रत्येक दल उसी को अपने उम्मीदवार घोषित करता है। उसके लिए वो देखते हैं, विभिन्न समीकरण होते हैं कि किसको उस क्षेत्र में प्रभाव है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, ये सारी चीज़ें देखकर प्रत्येक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का नामांकन करता है। और इलेक्शन में जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वहाँ उम्मीदवार खड़े करते हैं और जो है उसके चुनाव जीतने के लिए अभियान चलाते हैं, ठीक है। तो अगर प्रत्याशी गरीब हो, उसके पास आर्थिक साधन ना हो, तो इन राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनाव का खर्च भी उठाया जाता है। फिर बात करते हैं राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संख्या को कम रखकर उनकी विजयी होने की संभावना को व्यवहारिक बनाते हैं। देखो लोकतंत्रीय व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर हम बात करें उदाहरण के लिए भारत में अगर बात करें तो विधान मंडल है, उनका जो राज्य विधान सभाएं हैं, जो भारत की लोकसभा है, उसके लिए जो उम्मीदवार हैं उसके लिए कुछ निश्चित योग्यताएं तय की गई हैं। जो व्यक्ति उन योग्यताओं को पूरा करता है, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो जो उम्मीदवार बनना चाहता है, और उसकी आज कम से कम 25 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभदायक पदवी सरकारी पदवी पर विराजमान हो, ये कॉमन सी जो है कुछ क्वालिफिकेशंस रहती हैं। ये ऐसी क्वालिफिकेशन तो लाखों करोड़ों लोग पूरी करते हैं। तो सभी एक निर्वाचन क्षेत्र में, अगर हम बात करें विधानसभा के क्षेत्र में, तो लाखों लोग हैं, लोकसभा में भी 7-8 लाख 5 लाख तक की लोग होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग इलेक्शंस में खड़े हो जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि राजनीतिक दल, हालांकि ऐसी कोई रोक नहीं है, लोग निर्दलीय रूप में खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो कितने होते हैं, 5-7-10 होंगे, तो हजारों में तो नहीं होते ना। लेकिन क्यों, क्योंकि जो लोकतंत्र में दलों का संचालन है वो कौन करते हैं, राजनीतिक दल, और राजनीतिक दलों द्वारा ही अपने उम्मीदवारों को टिकट दी जाती है, उनका नॉमिनेशन किया जाता है, जिसके कारण राजनीतिक दल उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करते हैं, यह भी उनका एक कार्य है। फिर है कि प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है, उसके कार्यक्रम होते हैं, उसकी नीतियाँ होती हैं। तो अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुरूप राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है। तो चुनाव घोषणा पत्र इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसके कार्यक्रम होते हैं कि हम अगर जीत जाते हैं तो हम ये नीतियों के आधार पर काम करेंगे, और हम ये जो हैं क्या होता है अपनी पॉलिसीज को अपनाएंगे और जो जन कल्याण के कार्य करेंगे, उन नीतियों को वो इलेक्शन मैनिफेस्टो के रूप में जनता के सामने रखते हैं, और जनता उनके आधार पर जो है बात करती है, उनको क्या देती है, जनमत अपनी सपोर्ट देती है, अपनी वोटिंग देती है, मतदान करती है। और जब अगर वो दल की जो नीतियाँ और कार्यक्रम है जनता उन्हें स्वीकार कर लेती है, वो दल सत्ता में आ जाता तो उसके अनुसार कार्य करता है, अगर नहीं करता तो आने वाले इलेक्शन में जनता उसके विरोध में अपना जो है जनमत शो करती है, अपना मतदान करती है, अपना क्रोध शो करती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो दल हैं वो शासक दल के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। देखियो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं,
जैसे कि विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जिस दल को सत्ता मिल जाती है उसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। तो वो जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उनमें समन्वय रखता है, उनमें कोऑर्डिनेशन कर मतलब प्रशासन में एकता स्थापित करने का भी काम करता है। तो शासक दल का यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो जो अलग अलग अधिकारी हैं, जो पार्टी की जो नीतियां हैं उनके अकॉर्डिंगली उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके, ठीक है। और दलों में अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनका एक संगठन होता है, जो दल के सदस्य होते हैं वो उस दल की नीति और कार्यक्रम से बंधे होते हैं, वे उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर उनको वो नीति और कार्यक्रम मंजूर नहीं तो वो अपने दल को छोड़ सकते हैं। अगर वो दल विरोधी कार्य भी करते हैं तो दल द्वारा उन्हें निष्कासित भी कर दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो अकेले शासक दल के रूप में कार्य नहीं करते, वो काम करते हैं विरोधी दल के रूप में। तो जब इलेक्शन होते हैं, अगर कोई दल है वो सत्ता हासिल करने में कामयाब नहीं रहता, सफल नहीं होता, तो वो है दल एक जो है विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। वो सरकार की नीतियों पर नज़र रखता है और सरकार की उसका यह कर्तव्य है कि वो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, लोक हितैषी नहीं है, जन कल्याण में नहीं है, वह उनकी आलोचना भी करता है। ऐसा ये दलों के कार्य हैं। फिर हम बात करेंगे दलीय व्यवस्था के प्रमुख प्रकार, टाइप्स ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कितनी, जो पार्टी सिस्टम है उसकी टाइप्स कौन कौन से, उनके जो विभिन्न रूप है वो कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि देखिए कि प्रत्येक देश का, प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली का प्रवेश भिन्न होता है, उसकी उसका वातावरण भिन्न होता है, वहाँ की आर्थिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ वो भिन्न होती हैं। और इन जो उसका, उस राष्ट्र का, उस राजनीतिक प्रणाली का प्रवेश होता है, वातावरण होता है, उसके अनुसार ही वहाँ पर जो राजनीतिक दल व्यवस्था है वह प्रफुल्लित होती है, विकसित होती है। तो प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ वहाँ की दलीय व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अगर हम बात करें सर्वप्रथम एक दलीय प्रणाली की, सिंगल पार्टी सिस्टम की हम बात करें, इसकी सर्वोत्तम उदाहरण मैं आपको बताऊं तो चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना है। देखो वहाँ की परिस्थितियाँ 1949 में जब चाइना में क्रांति हुई माओ के उसमें नेतृत्व में, तो माओ एक डिक्टेटरशिप थे, तो एक दलीय प्रणाली वहाँ विकसित हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहाँ विकसित हुई। तो वहाँ किसी अन्य पार्टी को जब विचारधारा को प्रफुल्लित नहीं होने दिया, तो जहाँ एक दलीय प्रणाली होती है तो लोकतंत्र में जो चुनाव हैं वो सिर्फ एक मुखौटा होते हैं, एक नाम रह जाता है चुनावों का, क्योंकि जनता को उसी दल, जो एक दल है उसी में से अपने, उसी को मतदान देना होता है, उसी की सरकार बनना तय होती है। जो दल होता है एक दलीय, वह एक तरह से वो सरकारी दल होता है, उसे सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। जो उसका नेता होता है उसका जो है अध्यक्ष बनना सरकार का तय होता है, और किसी भी सार्वजनिक पद पर सिर्फ उस दल के सदस्य ही जो है विराजमान हो सकते हैं, और विरोध को जो है दबाया जाता है, वहाँ किसी भी विरोधी विचारधारा को प्रफुल्लित होने की आज्ञा नहीं होती। एक अधिनायक बाद की तरह वहाँ सरकार होती है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है अगर मैं कहूँ तो, इस तरह का वहाँ रहता है, तानाशाही शासन रहता है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, सामान्य विशेषताएं हैं। ऐसा दल, पहली बात है, सरकारी नेता हो, सरकारी दल होता है, क्योंकि इसका नेता वही व्यक्ति होता है जो देश का देश पर तानाशाही शासन करता है, तो यह सरकारी दल होता है। तो यह दल लोगों में नेता की विचारधारा की मान्यता सुनिश्चित करता है, जो विचारधारा का प्रचार प्रसार वो किया जाता है, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ तक कि जो कॉमरेड्स हैं, जिन्हें कॉमरेड्स बोला जाता है, जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी हैं, उन्हें तैयार किया जाता है, उन्हें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि अपनी विचारधारा को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें जो लीडरशिप है उसकी आज्ञाकर्ता का भाव रहता है, कोई बंदा उसका विरोध नहीं कर सकता, अनुशासन रहता है, पार्टी की जो पार्टी लाइन है उससे बाहर बात नहीं कर सकता।
काफी ज्यादा उसमें अनुशासन रहता है, तानाशाही रहती है, ऐसी व्यवस्था होती है और पार्टी ही सभी कानूनों का स्रोत होती है। जिस तरह के वो उसकी विचारधारा है उसी की विचारधारा के अनुरूप कानून बनते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उस राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए उन कानूनों को पालन करना जो है जरूरी होता है। एक और बात है, वहाँ पर प्रेस, मीडिया और विचारों की अभिव्यक्ति की उतनी स्वतंत्रता नहीं होती जितनी कि लोकतंत्री दलों में होनी चाहिए, तो वहाँ उसका दमन किया जाता है। जैसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि विरोधी विचारों को वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण में दे सकता हूँ आपको कि 1922 में मुसोलिनी जो इटली का तानाशाह था, उसने वहाँ पर जो फासिस्ट पार्टी थी उसके माध्यम से ऐसी व्यवस्था लागू की थी। उसी प्रकार से 1933 में जर्मनी में हिटलर ने ऐसी व्यवस्था लागू की थी, वहाँ जो उसकी नाजी पार्टी थी तो नाजीवाद का प्रचार प्रसार किया, अन्य दलों को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से सोवियत संघ में इस तरह की जो साम्यवादी व्यवस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी की जो व्यवस्था थी वो वहाँ पर लागू हुई, ठीक है। तो ये काफ़ी उदाहरणें हैं जो मैंने यहाँ पर दी हैं। तो अब बात करेंगे अगली व्यवस्था की। तो अगली व्यवस्था है दो दलीय व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रमुख रूप से दो ही दल होते हैं और दोनों दलों में सत्ता के लिए जो है संघर्ष होता है। निर्वाचन में कभी एक दल जीतता तो कभी दूसरा दल जीतता है। इसके उदाहरण में बात कर सकता हूँ यूएस की, जैसे वहाँ पर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी है। फिर हम बात करते हैं यूके की, वहाँ पर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, ये दोनों दलों की हम बात करते हैं ना। तो दो दलीय व्यवस्था है, हालांकि वहाँ छोटे छोटे दल होते हैं, अन्य दल भी विकसित हो गए हैं, लेकिन उनका कोई अपना महत्व नहीं होता, कोई नहीं रहता। तो दोनों दलों में से ही दोनों की बराबर भूमिका रहती है और दोनों दलों में से ही कोई ना कोई दल जो है सरकार का गठन करता रहता है। तो मैं बता दूं कि जो इंग्लैंड और अमेरिका की दो दलीय व्यवस्था में भी थोड़ा अंतर है। इंग्लैंड की दोनों राजनीतिक भले ही प्रगतिशील है और समय के अनुसार अपने आप को डालते रहने वाले हैं, परंतु फिर भी इन दलों की में स्पष्ट वैचारिक भिन्नता है। जो कंजर्वेटिव दल है उसकी अलग विचारधारा है और जो लेबर पार्टी है उसकी अलग विचारधारा, वो थोड़ी ज़्यादा लिबरल है। तो उनमें वैचारिक भिन्नता है इंग्लैंड में जो दोनों दल हैं, लेकिन इसके विपरीत अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है उनमें वैचारिक भिन्नता नाम मात्र के बराबर है, बहुत थोड़ी बेचारी भिन्नता है, लेकिन फिर भी दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष रहता है। तो अब बात करेंगे बहुदलीय व्यवस्था की। बहुदलीय व्यवस्था में तीन या उससे भी अधिक प्रमुख राजनीतिक दल स्पष्ट दल होते हैं जिनमें सत्ता के लिए संघर्ष चलता है। तो परंतु इसकी जो उदाहरणें हैं मैं बता सकता हूँ, भारत इसकी प्रमुख उदाहरण है, इसके अलावा फ्रांस, स्विट्जरलैंड की बात कर सकते हैं, जर्मनी, इटली आदि अनेक देशों में बहुदलीय जो है प्रणाली है, पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ की स्थानिक परिस्थितियों के अनुरूप। तो जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो उसमें अलायंस होते हैं, गठबंधन होते हैं। जब बहुमत प्राप्त करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए प्री पोल चुनावों से पहले भी अलायंस होते हैं, जहाँ सत्ता प्राप्त करने के लिए, सरकार पर नियंत्रण करने के लिए चुनावों के बाद भी कुछ पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कि हम, मैं बात करूं शिवसेना और भाजपा का, जो महाराष्ट्र में अलायंस था वो प्री पोल था, चुनाव से पहले था, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्थान प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जब पोस्ट पोल इलेक्शन हो गए तो वह अलायंस था वो टूट गया, सत्ता पर कब्जा करने के लिए, सरकार पर नियंत्रण करने के लिए, और शिवसेना अलग होगी भाजपा से और कांग्रेस और जो एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनके साथ उसने गठबंधन किया और गाड़ी महाजोड़ टाइप का कुछ गठबंधन वहाँ बना और सरकार बनी। तो इस प्रकार बहुदलीय व्यवस्था में कई बार ऐसा भी होता है कि गठबंधन के माध्यम से सरकार बनानी पड़ती है, कोलिशन गवर्नमेंट्स हम उसको बनाते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली में ये एक बड़ी दिक्कत वहाँ रहती है, जैसे कि भारत में हम बात करते हैं। तो हमने ये अलग अलग जो पार्टी सिस्टम था उसकी हमने बात की। पहले हमने बात की थी कि जो राजनीतिक दल हैं उनका अर्थ क्या है, उनकी भूमिका किस प्रकार की रहती है, उनके कार्य किस प्रकार के रहते हैं, उनका ओरिजिन क्यों हुआ। हमने तीन सिद्धांत किए थे, मानव प्रकृति का सिद्धांत किया, या फिर हमने बात की
हित सिद्धांत की बात की, ठीक है, और या फिर हमने बात की थी एक सिद्धांत की, वह था प्रवेश संबंधी स्पष्टीकरण की, जो वातावरण सामाजिक आर्थिक वातावरण है किसी भी राष्ट्र का, वो भी जब वहाँ घटने वाली घटनाएं हैं वो भी राजनीतिक दलों को जन्म देती हैं। तो उसके बाद हमने बात की राजनीतिक दलों के कार्य की, है ना, फिर हमने बात की राजनीतिक दल की जो व्यवस्था है उनके जो विभिन्न प्रकार हैं, एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय। तो हम बात करेंगे कि क्या जो दलीय व्यवस्था उसकी आलोचना भी की जाती है। देखो उसकी सबसे ज्यादा आलोचना अगर हम भारत के संबंध में बात करें, जयप्रकाश नारायण को कोई नहीं बोला, तो जयप्रकाश नारायण के अगर हम बात करते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतक थे, उनका जो भारत में जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस इमरजेंसी के समय उन्होंने संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया था। तो एक दल विहीन लोकतंत्र की व्यवस्था की, पार्टी लेस लोकतंत्र की व्यवस्था की, जो उन्होंने पार्टियों में कुछ बुराइयाँ बताई उसके आधार पर आलोचना की जाती है कि ये पार्टियाँ हैं भ्रष्टाचार को बढ़ाती हैं, जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो अपने लोगों को फायदा लाभ पहुंचाती हैं, उनके हितों की रक्षा करती हैं, वो राष्ट्रीय हितों को भूल जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि राष्ट्रीय हितों का बलिदान कर दिया जाता है और स्थानीक हितों को प्रमोट किया जाता है, या फिर व्यक्तिगत हितों की ताक पर रह जाते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो उनकी जो सत्ता है कुछ विशेष घरानों तक सीमित रह जाती है, जो धन का, काले धन का जो है इलेक्शन में इस्तेमाल होता है, और बाद में जो जो डोनेशंस देने वाले होते हैं, चंदा देने वाले होते हैं, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को वो पहुंचाया जाता है और जो लाभ पहुंचाया जाता है सरकार के पदों पर जब वो पहुंच जाते हैं, या एक गरीब व्यक्ति को टिकट तक नहीं मिलती, नामांकन नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में कई उदाहरणों पर जो है, फिर इसी प्रकार से बात की जाती है कि जब ये राजनीतिक दल हैं तो उसके जो सदस्य हैं विधायिका में, विधान पालिका में, वे कठोर इन शासन के में बंधे होते हैं, वे अपने जो व्हिप जारी होते हैं उसके अनुसार ही वो मतदान करते हैं, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। नैतिक मूल्यों का पतन होता है, सरकारों का बनाने के लिए जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त होती है, पार्टी बदली जाती है। इन सभी कारणों के कारण जो दलीय व्यवस्था की आलोचना भी हुई, लेकिन असल में जो बात है, दलीय व्यवस्था में कुछ दोष जरूर हैं, उसे सुधारा जाना चाहिए, हम दलीय व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर सकते, जैसा कि जेपी ने बात की। तो दोस्तों आज हमने जो है बात की जो पॉलिटिकल सिस्टम है पूरे विश्व में किस प्रकार के हैं, विभिन्न देशों में कैसे हैं, हमने कंपैरेटिव स्टडी की उनकी आज, है ना, और भारत में किस तरह का सिस्टम है और विभिन्न देशों में जो राजनीतिक दल प्रणालियां हैं वो कैसे उनका ओरिजिन हुआ है, उसको हमने एग्जांपल्स के माध्यम से समझा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने इसको करवाने का प्रयास किया, ठीक है। कुछ प्रश्न हैं जैसे आप उसके बारे में सोच सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने सब प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया है। तो अंत में मैं ऐसा ही कहूँगा कि राजनीतिक दल हैं जो स्वतंत्र लोकतंत्री सरकार की गारंटी होते हैं, जो सामाजिक वर्गों के मतभेद को दूर करते हैं और प्रशासन को उत्तरदायी बनाते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो दोस्तों सी जी टुमारो वंस अगेन, कल फिर हम मिलेंगे इसी समय जो हमारा निर्धारित समय है, तो कृपया आप सुबह से हमारे 11 बजे से सेशन शुरू हो जाते हैं और शाम के 5 बजे तक चलते हैं। हमारी तरफ से, हमारी इग्नो की पूरी टीम की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि हम आपको घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन प्रदान करें। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिक काउंसलर्स हैं, दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, और वो अपने हर संभव प्रयास द्वारा आपको, आपके तक ज्ञान की धारा का प्रवाह कर रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हो और आपके जीवन में प्रकाश जो है, ज्ञान के प्रकाश का उजाला हो, और साथ ही साथ इस संकटपूर्ण चुनौतीपूर्ण समय में हम आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। दोस्तों अपना साहस मत हारिएगा, अगर जीवन में कुछ संकट आते हैं धैर्य बनाकर रखिए, और COVID-19 का जो प्रोटोकॉल है उससे बचने के लिए उसकी आप दृढ़ता से पालना करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो विटामिन सी है, जो हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, स्टीम लेते रहिए, गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, है ना, और प्राणायाम कीजिए, जो अलोम विलोम प्राणायाम है
बहुत सुधारने इस तरह से कर सकते हैं, उसी प्रकार से कपाल भाती है और अपने मन को शांत करने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूँगा। आंखें ऊपर हाथ रखे, कान बंद किए और नाक से सांस लिया और मुंह को बंद करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं और नाक के माध्यम से हम सांस को छोड़ देते हैं। जैसे कि ये भमरा भ्रामरी प्राणायाम में जैसे भमरा गुंजन करता है वैसा महसूस होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे आपके मानसिक शांति मिलती है, आपके फेफड़ों को स्ट्रेंथ मिलती है, तो घबराइए मत। तो साथ ही साथ ऑक्सीजन देखिए, आज हवा बिकने लगी है, पहले पानी देश में बिक रहा था। तो प्रण कीजिए कि हम अपने हिस्से की ऑक्सीजन के लिए कम से कम 10 प्लांट्स लगाएंगे। अब जैसे अभी सीजन है, आप लगा सकते हैं, उनकी देखभाल भी कीजिए, तो यह मदर नेचर पर बहुत बड़ा उपकार होगा। जो हम धरती सारा, जो पूरी नेचर हमें सब कुछ प्रदान कर रही है, तो बहुत बड़ा उपकार होगा मानवता पर। तो एटलीस्ट आप पेड़ लगाइए, पानी जो हमारे प्राकृतिक साधन है उनका संरक्षण कीजिए, उनका बेफजूल प्रयोग मत कीजिए, चाहे वह बिजली है, चाहे कुछ भी कोई भी साधन है, उसका आप अननेसेसरी प्रयोग मत कीजिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और कल तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। कल जो है, मैं आपको जो 21वीं यूनिट है, दैट इज़ प्रेशर ग्रुप्स दबाव समूह है, क्योंकि हम लोग पंजाब में रहते हैं तो अपनी जो मातृभाषा लोकल भाषा है वह पंजाबी भाषा है। थोड़ा हमारे जो हिंदी में एक्सेंट है वो थोड़ी भिन्न रहती है, लेकिन क्योंकि काउंसलिंग सेशन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पंजाब के बाहर के स्टेट्स हैं, पंजाब के बाहर के लर्नर्स हैं, वो भी इनको देखते हैं, इसलिए हम इसे हिंदी भाषा में दे रहे हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जल्दी फिर मिलेंगे। जय हिंद।